अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये मेरे पास 3 ऑरेंज है, ये 1/2 kg है। आप इसको मौसम्बी से भी बना सकते हैं। और हमें लगेंगे 2 अंडे, हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करके रखे हैं। एक बाउल लेंगे हम और इसमें इसको कट करके डालेंगे। एक को तो हमने स्किन के साथ में इसमें कट करके रखे हैं और इसकी हम स्किन उतार के हम इसमें ऑरेंज को शामिल करेंगे। इसमें हमने तीनों भी ऑरेंज कट करके डाल दिए। अब इसमें हम अंडा तोड़ डालेंगे। इसमें हमें लगेंगी शुगर, ये हमने लिए 70 ग्राम है। आप इसमें 60 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे 1 चुटकी और 1 टेबल स्पून हम इसमें ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे। और इसमें हम बटर ऐड करेंगे। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून, अगर मार्जिन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब ये सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर करेंगे। इसी बाउल में हम इसको निकालेंगे। इसको हमने बाउल में निकाले। अब इसमें 1/2 kg हम मैदा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किए और हमने लगेगा इसको, मैंने बटर लगा के रखी हूँ। आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इसको हमने ये मोल्ड में निकाल के रखे, इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह रखेंगे और फिर इसको बेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये डबल हो गया है अच्छी तरह से। और हमने 1 अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने फेंट दिए। ओवन भी हमने फ्रीड करने के लिए रख दिए। मैं थोड़े से बादाम के जो स्लाइसेस हैं इस पे गार्निशिंग करने के लिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसको हम ओवन में रखेंगे। ओवन हमारा फ्रीड हो चुका है, 40 मिनट के लिए रखेंगे 180 पे। इसको हमने ओवन से बाहर निकाले, इसको हमने 35 के लिए बेक किए। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। मैंने ये सिरप रेडी की हूँ 1 ऑरेंज के जूस से, ये इस तरह का। ये इसको हम इस पर लगाएंगे केक पर। इसको हम कट करके दिखाएंगे आपको, एकदम सॉफ्ट बना है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। और इसमें से जो खुशबू आ रही है बहुत ही लाजवाब है और उसी तरह इसका खाने का टेस्ट भी है। इसको 1 वीक तक रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।